क्या बात करते हैं, समझने वाले व्यक्ति नहीं है। क्या करेंगे आप, पजामे में रहना। प्रेम प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल कंट्रोल, लैंग्वेज कंट्रोल, लैंग्वेज कंट्रोल प्लीज। तू क्या करेगा मुझको, दुनिया के सामने शो हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि उत्तरकाशी में लड़का भी हिंदू है लड़की भी हिंदू है, उसको लफ्जियात क्यों बता रहे थे आप? आपने पूरी स्टोरी क्यों नहीं चलाई? अब जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि साहब मुझे पता नहीं। तो अगर आपको पता नहीं हो तो फिर पत्रकार कहेंगे। आज फेल कर दीजिए, मुझे बोल दीजिए पत्रकारिता फेल हो गए आप सर। नहीं नहीं, अगर मैं आपकी कॉपी चेक करता तो 10 में 0 देता। हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट है लव जिहाद पे। इस पर आसिम वकार ने गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला की बैंड बजा दी। देखिए आप लोग, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी, एक सीधा जवाब दीजिएगा, क्या लव जिहाद होता है? लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर ये लोग पकड़े क्यों जाते हैं जो गलत आइडेंटिटी रख कर न जाने। सवाल पूछ लीजिए फिर मैं जवाब। नहीं, मैं लोग पकड़े जा रहे हैं ना जो झूठी आइडेंटिटी रख कर जो है लड़कियों को फंसाते हैं हिंदू बन के, और बाद में उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ऐसे सैकड़ों केसेस है नॉलेज में। चल झूठा। देखिए मैं बताऊं आपसे, इस्लाम में शराब हराम, फिर भी मुसलमान शराब पीता है तो इसमें इस्लाम कहां बुरा हो गया? इस्लाम में जुआ हराम, मुसलमान फिर भी जुआ खेल रहा है तो इसमें इस्लाम कहां बुरा हो गया? इस्लाम में चोरी हराम, गिराकटी हराम, बेमानी हराम, झूठ हराम, फिर भी बहुत से मुसलमान इसमें संलिप्त है तो इस्लाम कहां बुरा हो गया? इस्लाम में जिनाकारी हराम, फिर भी कुछ लोग हैं छुपा चोरी छुपे करते होंगे तो इस्लाम कहां बुरा हो गया? अगर आदमी बुरा है, व्यक्ति बुरा है, तो उससे इस्लाम का क्या लेना देना? इस्लाम अपनी टीचिंग्स दे रहा है। इस्लाम ने बता दिया ये गलत ये सही। अब इस्लाम की जिन्होंने बात मानी उन्होंने अच्छा काम किया, जिन्होंने नहीं मानी उन्होंने बुरा काम किया। तमाम एग्जांपल बता के आपने मान लिया कि लव जिहाद होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। तो ये एग्जांपल क्यों दे रहे हैं कि चोरी बुरी लेकिन नहीं होता है? मैं बताऊं आपसे, और गांधी जी तो कहते हैं चोरी से घृणा करो चोर से मत करो। हाँ, अब जैसे हम लोग को कहा जाता है कि दीपक चौरसिया से घृणा मत करो, दीपक चौरसिया पैसे के लिए जो काम कर रहे हैं उससे घृणा करो। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे भेजी थी। वो जो लड़की है वो अपने मामा के घर रहती है, उसके माँ बाप नहीं है। जिस लड़के से उसका एफियर है वो सैनी जाति का है, बिजनौर का रहने वाला है। लड़का भी हिंदू लड़की भी हिंदू, लड़के का दोस्त मुसलमान, इसमें लव जिहाद कहां हो गया? आपने पूरी स्टोरी चलाई नहीं, एक बार चलाइए पूरी स्टोरी। प्रेम भाई को शायद ना पता हो, प्रेम शुक्ला जी को शायद पूरी बात ना पता हो, इनको बताइए पूरी बात। अभी कई केस ऐसे आ गए लखनऊ में कि कुछ लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं लड़कों को लड़की बनकर, उनको फंसाते हैं, फिर वीडियो पे जो होता है वो लड़के को फंसा के उन्होंने वो कर लिया, ये दिखाओ वो करो ये करो, उसके बाद में फिर ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। कई पुलिस में केस गए, कई लोग परेशान हो गए। तो ये कौन सा, इसको क्या कहिएगा? जो लोग ये कर रहे हैं काम, वीडियो बना रहे हैं, वो मुसलमान नहीं है, इसको कौन से जिहाद का? चलिए आज आपने मान लिया कि लव जिहाद होता है। तो गेम बजाना पड़ेगा। दीपक चौरसिया जी, क्या खाली एक मिनट, क्या हिंदुस्तान में बाकी मर्डर नहीं होते? क्या हिंदू हिंदू को मर्डर नहीं करता है? ये लगातार क्या बात कर रहे हैं आप? यहाँ भी शाब्दिक आतंक, कैसे, किस मानसिकता के आदमी हैं आप? हम लोग पे दबाव बना रहे हैं, हम माने इसको। A few inches later, अगर मीरा रोड में एक अधेड़ व्यक्ति ने अपने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को अगर काट कर कुकर में पका दिया, तो आपने सुना कोई हिंदू संगठन खड़ा हुआ या कोई राजनीतिक दल उसके पक्ष में खड़ा हुआ? कोई नहीं खड़ा हुआ ना, सब कोई उसकी निंदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान राजनीतिक संगठन सामाजिक संगठन। अगर कोई निंदा कर रहे हैं, ने किसी का कोई मर्डर किया है तो एक भी भारत में आदमी ऐसा नहीं कि उसका समर्थन करे। फिर इसमें बहस में क्या आप अकेले सभत्र डिबेट कर रहे हैं? कौन मुसलमान समर्थन कर रहा है? कौन मुसलमान समर्थन कर रहा है किसी कातिल का? एक भी आदमी, एक भी देश का मुसलमान किसी कातिल के साथ नहीं खड़ा है, किसी कातिल के समर्थन नहीं कर रहा है। क्या बात करते हैं, समझने वाले व्यक्ति नहीं है। क्या करेंगे आप? आपके आका असदुद्दीन ओवैसी क्या कर रहे थे? अब पजामे में रहना। प्रेम प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल कंट्रोल, लैंग्वेज कंट्रोल प्लीज। दुनिया के सामने शो हो जाता है।
अच्युतानंदन जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे और उन्होंने केरल की विधानसभा में कहा कि केरल में ईसाई और हिंदू लड़कियों को टारगेट करके लव जिहाद किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, चंडी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उन्होंने विधानसभा में फिगर भी दिए 2012 में। और जब ये सामने है कि आईसिस तक में कुछ लड़कियों को लव जिहाद के माध्यम से कुचक्र में फंसाकर अगर उनको सेक्स वर्कर बनाकर ले जाया गया और उनको जो है सेक्स स्लेव बना दिया गया, हम जाहिलों से क्या अपेक्षा करें। जब उलमा ही इस बात पर जो है मौन साधकर अपराधियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जब वो बमकांड के अभियुक्तों के समर्थन में खड़ा हो जाता है, जब वो याकूब मेमन के समर्थन में नारे लगने लगते हैं, जब अफजल गुरु को आदर्श मान लिया जाता है, जब लव जिहाद को कहा जाता है ही नहीं, तो आप बताइए क्या चर्चा करेंगे आप। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि वेश्यालय में बेच दिया जाता है, बिल्कुल बहुत सी लड़कियां वेश्यालय में हैं। मैं चाहता हूं कि चलिए हम और आप प्रेम भाई चलते हैं वेश्यालय में सर्वे करते हैं, और अगर 100 लड़कियां हैं या 200 लड़कियां हैं या 1000 लड़कियां हैं, उनसे हम लोग पूछते हैं कि आप इस वेश्यालय में कैसे पहुंची, कौन लाया। ये जिम्मेदारी सरकार की है भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर 10,000 सेक्स स्लेव हैं या 10,000 सेक्स वर्कर हैं या 10,000 प्रोस्टिट्यूट कर हैं तो क्या उनको सबको इसी तरह लाया गया होगा। सेक्स स्लेव तो हैं, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। रेड लाइट एरिया है पूरे पूरे शहरों में, मेट्रोपोलिटन सिटीज में लाइसेंस दिया जा रहा है, कौन ला रहा है इनको। अब अगर मैं पूछ दूं तो मैं बुरा आदमी हो गया। आईसिस पर एक बात बोल दूं, आपसे शायद आपके चैनल पे कभी नहीं रहा मैं इस मामले में। आईसिस के बारे में जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आज फिर बोल रहा हूं, आईसिस मुसलमानों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस एक ज्वाइंट वेंचर है इसराइल का और CIA का, अमेरिका और इसराइल का एक ज्वाइंट वेंचर है, मुसाद और CIA उसके पीछे खड़ा है। मुसलमानों को उससे कोई मत जोड़िए, मुसलमानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां जो भी हो रहा है मैं तो समझता हूं उसकी जांच होना चाहिए। अपराधी है सजा दीजिए, एक कानून बना दीजिए कि जो इस तरह के अपराधों में लिप्त है। लोगों ने ये किया यूके और यूएसए में, क्रिश्चियन लड़कियों को फंसाया, उनसे शादी निकाह किया, उनका धर्म बदलाया मुसलमान, वो गलत हो रहा है ना असीम वकार साहब, ये तो मानते हैं। वहां पे भी मोसाद करा रही है या CIA करा रही है तो मुझे बता दीजिए, फिर मैं बोलूंगा। लव जिहाद उत्तराखंड में जो हुआ था वो सैनी लड़का था और मुसलमान लड़का था, एक नाबालिग 14 साल की लड़की थी, उसके पीछे भी मोसाद था, CIA था। आपने आईसिस का नाम लिया, मैंने आईसिस के बारे में बताया। आप जहां की बात करेंगे उस डेमोग्राफी में उस जहां की बात अलग। सुनिए तो, आपका चैनल देखने वाले बेवकूफ लोग नहीं है, बहुत अकलमंद है, सब समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि उत्तरकाशी में लड़का भी हिंदू है लड़की भी हिंदू है, उसको लव जिहाद क्यों बता रहे थे आप? आपने पूरी स्टोरी क्यों नहीं चलाई? अब जब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि साहब मुझे पता नहीं। तो अगर आपको पता नहीं है तो फिर पत्रकार कहेंगे आज फेल कर दीजिए, मुझे बोल दीजिए पत्रकारिता फेल हो गए आप सर। अगर मैं आपकी कॉपी चेक करता तो 10 में 0 देता। चलिए आपने चेक नहीं करी, जहाँ पढ़ लेते आपने चेक नहीं करी, मुझे 10 में 10 प्रोफेसर नहीं था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।